सो हे गाइस, दिस इज जयंत एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड। सो गाइस, जैसा मैंने कहा था आपसे कि मैं हम एक प्रोजेक्ट पे वर्क करने वाले हैं, ओके। तो फाइनली मैं एक प्रोजेक्ट लेकर आ चुका हूँ विद द हेल्प ऑफ लाइव डेटा रेट्रोफिट एंड फ्लो एपीआई, ओके। सो होप गाइस कि आप इंजॉय करोगे ईच एंड एवरीथिंग, ओके। एंड प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, ओके। एंड गाइस देखो, सोर्स कोड की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आप मेरे आप मेरे गिटहब अकाउंट पर जा सकते हो। यहाँ से देखो, लाइक ये रहा मेरा यहाँ पर एंड गाइस एंड्रॉयड कॉटलिन प्रो विथ लाइव डेटा एंड रेट्रोफिट। आप यहाँ से इस डेटा को क्लोन कर सकते हो, ओके। सिंपल था, ओके। तो गाइस देखो, अगर आपको यहाँ से अगर आपने अभी तक एंड्रॉयड फ्लो एपीआई के ऊपर मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी तो प्लीज़ इस को वॉच कर लो, ओके। तो गाइस आप इस प्रोजेक्ट पे जब भी वर्क कर पाओगे जब आपको ये वीडियो पता होगी, ओके। सो गाइस अब फाइनली क्या करते हैं, प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, ओके। तो गाइस करना मुझे कुछ नहीं है, सिंपल काम करता हूँ, ओके। तो गाइस देखो, सबसे पहले मैंने क्या कर रखा है यहाँ बताता हूँ आपको। देखो गाइस, मैंने प्रोजेक्ट पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है, ओके। तो मुझे प्रोजेक्ट क्रिएट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो तो सिंपल होता है, आपको पता होता है, ओके। तो देखो, सबसे मेरा मेन मोटिव है यहाँ पर कि पहले डिपेंडेंसी ऐड करना, बिकॉज विदाउट डिपेंडेंसी हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, ओके। तो गाइस देखो, हमें जाना बिल्ड और ग्रेडर फाइल के ऊपर यहाँ पर। एंड गाइस देखो, मैंने ये डिपेंडेंसी पहले से ही ऐड कर रखी है, आपको जस्ट बता देता हूँ, सिंपल, ओके। तो गाइस देखो, पहले हमने क्या किया, इस प्लगइन को ऐड कर दिया, सिंपल। उसके वजह से मैंने क्या किया, जो कंपाइल ऑप्शन है बेसिकली, ये जो होप आपको पता होना चाहिए इसके अंदर इसके बारे में। तो गाइस ये मैंने ऐड कर रखा, सिंपल, यहाँ से लेके यहाँ तक, सिंपल। उसके बाद गाइस मैंने क्या कर रखा यहाँ पर, इसके बाद मैंने डिपेंडेंसी ऐड कर रखी है। फर्स्ट जो डिपेंडेंसी है मेरी रेट्रोफिट की, जो जीसन कन्वर्टर और आपका क्या है यहाँ पर रेट्रोफिट लाइब्रेरी, सिंपल। और कुछ काम नहीं करना है यहाँ पर, सिंपल सा। अब कैसे करके इसमें लाइफ साइकिल दे रखा है यहाँ पर व्यू मॉडल लाइव डेटा का, ठीक है। इसमें से क्या, इसमें दोनों यूज़ नहीं करूँगा मैं, सिर्फ व्यू मॉडल यूज़ करूँगा, ठीक है। आप चाहे लाइव डेटा भी यूज़ कर सकते हो स्कोप के लिए, ठीक है, सिंपल। तो बस यहाँ पर मैंने एक रूटीन्स मुझे ऐड करनी है, जो इस लाइब्रेरी के अंदर बेसिकली क्या होगा, मतलब फ्लो एपीआई मिल जाए मुझको, सिंपल। तो बस मैंने आपको बताया ना मुझे क्या करना है, यूज़ करना है रेट्रोफिट यूज़ करना है जो मेरी डिपेंडेंसी ऐड हो चुकी है, मुझे यूज़ करना है आपको क्या लाइव डेटा यूज़ करना है जो मेरे यहाँ पर डिपेंडेंसी ऐड हो गई है। एंड थर्ड मेरा क्या है, कोरूटीन्स यूज़ करना है। तो कोरूटीन्स के तो मेरा फ्लो एपीआई होता है, तो ये मेरे पास डिपेंडेंसी ऐड हो चुकी है, सिंपल। तो गाइस देखो, मैंने फाइनली पूरा वर्क कर रखा है, ओके। तो गाइस देखो, अब मेरा जो मेन मोटिव है ना यहाँ पर, अब गाइस देखो मैंने सेकेंड पार्ट मैंने क्या कर रखा है यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। देखो मैंने क्या करा, यूआई पहले से डिज़ाइन कर रखा, समझे। UI देखो गाइस, मैंने UI जो है ना पहले से ही डिज़ाइन कर रखा है। मैंने क्या रखा, एक रिसाइकलर व्यू दे रखा है और एक प्रोग्रेस बार दे रखा है, ठीक है। बिकॉज गाइस UI में मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल है आपका, ठीक है। तो गाइस आपको जस्ट क्या करना है, आपको देखो गाइस प्रोजेक्ट आपको कैसे बनेगा यहाँ पर। सबसे पहले कैसे क्या करना है आपको, आपको रेट्रोफिट से ना रिक्वेस्ट करनी है सर्वर पर कुछ डेटा की, समझे, कुछ डेटा की रिक्वेस्ट करनी है, सिंपल सा। आपको क्या करेगा, जो फ्लो है ना बेसिकली उसको एसिंक्रोनसली हैंडल करेगा और सीक्वेंस वाइज में क्या करेगा, उस डेटा को क्या करेगा, शो करवा देगा रिसाइकलर व्यू पे। सिंपल काम है और कुछ नहीं करना। तो दैट्स रीजन इसका कर रखा है, मैंने रिसाइकलर व्यू बना रखा है सिंपल यहाँ पर, ओके। एंड उसको क्या कर रखा है, एक प्रोग्रेस बार दे रखा है जो क्या करेगा, लोडिंग करेगा हमारा, सिंपल। उसका वजह से क्या किया, मैंने रिसाइकलर व्यू के लिए ईच रो क्रिएट कर रखा है यहाँ पर, देखो सिंपल यहाँ पर, कि जो क्या करेगा, सिर्फ एक टेक्स्ट व्यू उसके अंदर है और एक लीनियर लेआउट और कार्ड व्यू की वजह से, सिंपल। तो इससे क्या करूँगा मैं, सिर्फ सर्वर से क्या करूँगा, एक ही डेटा फेच करवाऊँगा, मतलब, ठीक है, समझा। तो टेक्स्ट व्यू पर शो होगा, सिंपल, ओके। एंड गाइस ओके, सिंपल इतना। अब वैसे वो क्या करखा, मैंने एक मॉडल क्लास क्रिएट कर रखी है यहाँ पे, देखो जो क्या है बेसिकली यहाँ पर, देखो पोस्ट नाम का एक, ठीक है। उसके अंदर क्या रखा है, एक बॉडी और स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल देखा, सिंपल की बने। आपको बताऊंगा ये क्यों किया मैंने बेसिकली यहाँ पर, सिंपल। अब वैसे वो क्या करखा है, यहाँ पर एक अडेप्टर क्रिएट कर रखा है मैंने, सिंपल सा। तो गाइस होप एडेप्टर का आपको पता होना चाहिए कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपल सा। तो ये तो गाइस बहुत सिंपल है काम करना, मैं दोबारा से क्रिएट बिल्कुल नहीं करूँगा, ठीक है, ओके। तो देखो अभी मेरा मेन मोटिव क्या है यहाँ पर, मुझे बेसिकली कौन सा डेटा चाहिए यहाँ पर। देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जेसन प्लेस होल्डर एपीआई, सिंपल। ये गाइस फेक एपीआई जनरेट करता है यहाँ पर। एंड गाइस यहाँ से आप डेटा को ले सकते हो। तो देखो ये मैं पोस्ट वाला डेटा ले रहा हूँ, ठीक है, सिंपल। तो गाइस आपको देखो यहाँ पर जूम कर देता हूँ, देखो गाइस देखो मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, जो बॉडी दिख रहा है ना बॉडी, मुझे सिर्फ ये बॉडी चाहिए, ठीक है। मतलब बॉडी में जितना भी डाटा प्रेजेंट है ना, वो मुझे अपने मतलब अपने एप्लीकेशन को शो करवाना, सिंपल काम, ओके। तो देखो ये मैं बेसिकली एक एपीआई यूज़ करूँ जो वो जेसन प्लेस होल्डर है, ठीक है। तो इसी एपीआई से क्या करूँगा, मैं डेटा फैच करवाऊँगा अपने अपने मतलब एप्लीकेशन के अंदर, सिंपल। तो गाइस होप आपको समझ में आ चुका एप्लीकेशन कैसे वर्क करेगा, ओके। तो गाइस देखो अब मैं करता हूँ सिंपल, अपने प्रोजेक्ट पर आता हूँ और यहाँ पर अपना काम आगे का शुरू करता हूँ, ओके। तो बस देखो अभी मुझे क्या करना है, इस डेटा की रिक्वेस्ट करनी है इस बॉडी की, ठीक है। तो बस क्या करता हूँ मैं, एक नेटवर्क पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ सिंपल, पहले तो सिंपल यहाँ पे एक नेटवर्क पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ, पैकेज जिसका नाम है नेटवर्क, सिंपल।
आपको सब क्या करना है, इस नेटवर्क पैकेज के अंदर मेरा काम, मेरा मेन मोटिव जो है ना वो मुझे क्या करना है, रेट्रो फिर से रिक्वेस्ट करनी है सर्वर पर, वो सारा मैं यहाँ पर काम करूँगा सिंपल। तो देखो सिंपल क्या करता हूँ, पहले मैं एक ना यहाँ पर क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ सिंपल, जिसका नाम रख रखना है यहाँ पर, मैं रखता हूँ यहाँ पर API, ठीक है, API सर्विस सिंपल यहाँ पे, जो कि सर्विस, ठीक है, जो कि एक इंटरफेस होगा, ठीक है सिंपल। ओके इतना काम हो गया, हो कैसे आपको पता होना चाहिए रेट्रोफिट कैसे काम करता है। आप कैसे किया, मैंने यहाँ पे गेट एनोटेशन लिख दिया सिंपल यहाँ पर, एंड गाइस यहाँ मैंने क्या किया, पोस्ट पास कर दिया सिंपल, बिकॉज मैंने पोस्ट इसलिए पास किया गाइस, देखो यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास पोस्ट के, इस पोस्ट के पास डेटा प्रेजेंट है जितना बॉडी का। ओके तो दैट्स रीजन मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पोस्ट पास किया सिंपल। अब उसे किया, मैंने यहाँ पे सस्पेंड फंक्शन लिया, क्योंकि ये बैकग्राउंड के अंदर मुझे भेजना है, दैट्स रीजन। तो मैंने सस्पेंड फंक्शन पास किया सिंपल। अब उसे किया, मैंने यहाँ पे लिखा गेट पोस्ट नाम का सिंपल यहाँ पर, और किसी जो रिटर्न करवाएगा ना वो क्या करवाएगा यहाँ पर, लिस्ट ऑफ पोस्ट, लिस्ट ऑफ गाइस किया मैं, क्या यहाँ पर पोस्ट पास कर दिया। बिकॉज क्या गाइस क्या है, जो ये मॉडल क्लास दिख रहा है ना आपको, क्योंकि इसके अंदर डेटा सारा गिवन जाएगा, ठीक है, इस स्ट्रिंग के अंदर डेटा जाएगा। तो दैट्स रीजन का क्या किया मैंने, इसके मतलब जो यहाँ पर इंटरफेस मैंने क्रिएट किया यहाँ पर, कहाँ गया ये नेटवर्क के अंदर, और इसलिए मैंने क्या किया, लिस्ट ऑफ पोस्ट किया, ठीक है। बिकॉज लिस्ट ऑफ मैंने पोस्ट गाइस इसलिए पास किया देखो यहाँ पर, क्योंकि ये देखो यहाँ पर एक ना एरे है, ठीक है। तो दैट्स रीजन का क्या किया मैंने, एक एरे के फॉर्म में, मतलब एक लिस्ट के फॉर्म में डेटा मतलब लेकर आऊँगा, वहाँ से फेच करवाऊँगा सिंपल। तो बस आपने इतना काम कर लिया। अब बस क्या करना है आपको, नेटवर्क पर कहीं जाना है वापस, और क्या करना है आपको, एक बेस URL जनरेट करना है, ठीक है, URL। तो बस क्या किया मैंने, एक यहाँ पर गया कॉटलिन फाइल प्लस के अंदर, देन ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट पर गया यहाँ पर, लिखा है बेस URL सिंपल। अब बस क्या किया देखो यहाँ पर क्या है सिंपल सा, आपको देखो क्या किया, कॉन्स्ट लिख दिया, ओके सॉरी कॉन्स्ट एंड वेल दिया यहाँ पर, और क्या यहाँ पे बेस URL लिखते हैं, ठीक है, बेस URL सिंपल। एंड गाइस देखो यहाँ मैं क्या करता हूँ, इस बेस URL के बाद ये पास करना है वो सिंपल। तो गाइस कॉपी किया यहाँ पर सिंपल, एंड देन पेस्ट पास किया, इतना सिंपल काम हो गया। ओके तो बस ये बेसिकली मेरा मेन मोटिव था, मेरा बेस URL भी जनरेट हो चुका, ठीक है। और बस यहाँ से आप पोस्ट हटा सकते हो, ठीक है, बिकॉज ये बेसिकली क्या है आपका, एक सर्वर का नेम होगा, ठीक है, और जो ये पोस्ट दिख रहा ना है बेसिकली इसके अंदर आपका डेटा प्रेजेंट है, ठीक है। तो इतना का सिंपल काम हो चुका है। ओके अब वैसे करना है बेसिकली हमें रेट्रोफिट बिल्डर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा सिंपल। तो इस नेटवर्क पैकेज में जाता हूँ यहाँ पर सिंपल मैं, और मैं गैस क्या करता हूँ देखो यहाँ पर मैं गया एक फाइल के अंदर यहाँ सिंपल। ओके और गैस मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ, जो भी रेट्रोफिट बिल्डर सिंपल, BYLDL बिल्डर सिंपल बिल्डर कर लिया। और कैसे क्या करता हूँ, इसको मैं बना लेता हूँ बेसिकली यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिंपल एक, ठीक है, ऑब्जेक्ट ही क्रिएट कर लेता हूँ। ओके एंड इतना कैसे काम हो गया। और कैसे करता हूँ यहाँ पर, एक पहले वेरिएबल क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, जो मान लें रेट्रोफिट नाम का है, प्राइवेट बनाता हूँ, प्राइवेट पर, तो प्राइवेट वेल कैसे, देखो ये तो आपको सिंपल पता होना चाहिए यहाँ पर। मैं बेसिकली जो फ्लो का कैसे काम करता हूँ वो आपको ज़्यादा फोकस पे कर दूँगा, ठीक है। तो कैसे रेट्रोफिट लिखा मैंने यहाँ पर सिंपल, एंड यहाँ पर लिख दिया ओके रेट्रोफिट, रेट्रोफिट रिटर्न करता बेसिकली बाय लेजी सिंपल, इतना का काम कर रखा आप। ओके अब उसे कहिए देखो रेट्रोफिट बिल्डर डॉट, एक मिनट कैसे रेट्रोफिट रेट्रोफिट डॉट बिल्डर पास करना आपको यहाँ से बिल्डर, एंड डॉट का इस पास किया पे बेस URL, ठीक है। तो बेस URL का आपको कहाँ से लिखा, बेस URL डॉट आपको बेस URL पास करना है सिंपल, एंड डॉट का करना है एड कन्वर्टर फैक्ट्री, एंड यहाँ पे लिखना है JSON कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट सिंपल, एक उनका इस क्रिएट सिंपल इतना, और डॉट लगा सकाना आपको यहाँ पे बिल्ड कर देना सिंपल, एंड बूम गाइस इतना काम हो गया। अब मैं रेट्रोफिट बिल्डर का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर चुका, ठीक है। अब कैसे करना है, मुझे क्या करना है बेसिकली सर्वर पर रिक्वेस्ट के डेटा को फैच करवाना है, ठीक है। तो उसे करता हूँ यहाँ पर एक वेरिएबल करता हूँ वेल API नाम का यहाँ पर, एंड मैंने क्या किया बाय लेजी लिख दिया यहाँ पर, ठीक है सिंपल। और यहाँ पर जस्ट मैं इसको ना एक यहाँ पर सॉरी यहाँ पर API सर्विस होगा सिंपल यहाँ पर, और गाइस मैंने क्या किया यहाँ पर इसे रेट्रोफिट से क्रिएट किया यहाँ पर, फंक्शन को कॉल किया यहाँ पर सिंपल, और मैंने कैसे क्या कर दिया यहाँ पर API एक मिनट API सर्विस क्लास डॉट जावा सिंपल। तो होप गाइस कि आपको यू नो बिल्कुल समझ में आ चुका होगा कि कैसे रिक्वेस्ट करते हैं रेट्रोफिट के सर्वर पर, ठीक है। तो गाइस ये तो गाइस ही हमारी नॉर्मल थिंग, ठीक है। अब बेसिकली हम आने वाले हैं अपने यू नो यहाँ पर गाइस, अब हम आने वाले हैं बेसिकली कहाँ पर, अपने यू नो रेपोजिटरी पर, जहाँ पर क्या करेंगे हम डेटा की रिक्वेस्ट करेंगे और डेटा को फेच कराएंगे बेसिकली बैकग्राउंड के अंदर, और वहाँ मेरा काम आएगा बेसिकली किसका, किसे गाइस यहाँ पर फ्लो API का। ओके तो ये बेसिकली नॉर्मल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी सिंपल।
तो नेटवर्क पैकेज का काम हो गया सब कुछ। अब कैसे करता हूँ, मैं एक रेपोजिटरी क्रिएट करता हूँ यहाँ पर सिंपल पैकेज नाम का। तो रेपोजिटरी मैंने क्रिएट किया है यहाँ पर सिंपल रेपोजिटरी, एंड गाइस इसके अंदर क्या करता हूँ मैं एक यू नो पोस्ट रेपोजिटरी क्रिएट करता हूँ सिंपल, एक फाइल क्रिएट करता हूँ मतलब क्लास क्रिएट करता हूँ पोस्ट रेपोजिटरी, सिंपल इतना काम हो गया। गाइस सबको क्लास करनी है, मैं करता हूँ एक इसके इस क्लास में क्या करता हूँ कैसे कंपेनियन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ सिंपल सा सिंपल, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़े, मैं सीधा क्लास नेम से कॉल कर लूँ, मैं इतना जाता हूँ सिंपल इसका। ओके अब वैसे करता हूँ, इसके अंदर एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं किसका नाम का गेट पोस्ट नाम का सिंपल सिंपल, ये मैंने फंक्शन क्रिएट कर लिया सिंपल। और कैसे ये क्या रिटर्न करेगा आपका फ्लो रिटर्न करेगा, फ्लो फ्लो ऑफ किस किस टाइप का मतलब लिस्ट ऑफ क्या आपका पोस्ट रिटर्न करेगा सिंपल, इतना काम हो गया। ओके अब वैसे वो क्या करना है मेरे को, एक मिनट सिंपल इतना हो गया। अब कैसे मेरा मेन मोटिव क्या है कि मुझे डेटा को फैच करवाना है, ठीक है। तो कैसे देखो मुझे कुछ नहीं करना है, पहले तो क्या करता हूँ इस नेटवर्क के अंदर जो है ना यहाँ पर रेट्रोफिट बिल्डर का, तो रेट्रोफिट बिल्डर एक मिनट एक मिनट यहाँ पर, तो कैसे क्या करता हूँ देखो यहाँ पर रेट्रोफिट लिखा है यहाँ पर रेट्रोफिट बिल्डर डॉट यहाँ पर API। अब API जो यहाँ पर है ना, तो API से करता हूँ गेट पोस्ट को मैं कॉल कर सकता हूँ यहाँ पर, बस दिखाता हूँ आपको जो ये API सर्विस बेसिक गिवन है ना, तो इसके अंदर एक पोस्ट गिवन है, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिक सारा डेटा होगा, ठीक है, तो मुझे वहाँ से फेच करवाना पड़ेगा। ओके तो गाइस देखो यहाँ मैं जाता हूँ कहाँ पर आपका नेट रेपोजिटरी के अंदर गया वापस। ओके तो गाइस इतना काम हो गया। ओके बट गाइस एक दिक्कत है यहाँ पर, हमें बेसिकली क्या काम करना, फ्लो के थ्रू सारा काम करना। ओके तो गाइस मैंने फ्लो ब्लॉक के अंदर तो सारा काम किया नहीं, कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पर नहीं लिखा, तो कैसे करता हूँ इसको जिसमें से मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से, ठीक है सिंपल। अभी हमने कैसे किया यहाँ पर इक्वल टू लगाया यहाँ पर, और मैंने क्या किया फ्लो पास कर दिया सिंपल ये ब्लॉक। एंड गाइस इसको क्या करना है आपको यहाँ पर जस्ट इंपोर्ट कर देना है इसको सिंपल। ओके इतना काम हो गया। ओके अब बताओ क्या करना है आपको, यहाँ से करना है रेट्रोफिट रेट्रोफिट बिल्डर डॉट API डॉट गेट पोस्ट लेना सिंपल। ओके ओके तो कैसे कोई इतना काम हो चुका मेरा सिंपल। अब कैसे करना है ये कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा होगा। ओके तो कैसे मैंने क्या किया वैल लिख दिया यहाँ पर, और मैंने क्या रिस्पॉन्स लिख दिया रिस्पॉन्स इक्वल टू सिंपल, इतना कैसे काम हो गया। होप इतना काम हो गया, एक मिनट एस हो गया। ओके अब कैसे करना है मुझको यहाँ पर लिखना है क्या एमिट एमिट। ओके और जैसे मैंने रिस्पॉन्स लिख दिया यहाँ पर सिंपल था एंड बूम का सिंपल, इतना काम हो गया। अब इसको आपको समझ में आएगा इस मैंने क्या किया बेसिकली यहाँ पर, समझ में आया नहीं समझ में कोई बात नहीं। तो बस क्या किया तो ये रेट्रोफिट बिल्डर क्या कर रहा है कुछ डेटा यहाँ पर जो इसके पास प्रेजेंट है डेटा वो क्या करेगा इस रिस्पॉन्स को दे देगा, ठीक है। और जो ये एमिट बेसिकली है ना कि वन बाय क्या करेगा वन बाय वन क्या करेगा सीक्वेंस वाइज में आपको डेटा को एमिट करवा रहा होगा, ठीक है सिंपल इतना काम हो गया। ओके होप इतना काम गाइस हो चुका होगा। ओके अब गाइस देखो मेरे मेन मोटिव आपका इस क्या आ रहा है यहाँ पर कि मुझे इसको क्या करना होगा बैकग्राउंड के अंदर टास्क करवाना पड़ेगा, क्योंकि गाइस मुझे एसिंक्रोनस प्रोसेस है, दैट्स द रीजन गाइस क्या करना पड़ेगा मुझे बैकग्राउंड के अंदर टास्क परफॉर्म करवाना पड़ेगा। तो उस डॉट लिखना पड़ेगा आपको फ्लो ऑन लिख दूंगा यहाँ पर सिंपल, और डिस्पैचर्स डॉट आई हो सिंपल, इतना गाइस बूम इतना काम हो चुका है। ओके तो गाइस देखो हमारा डेटा भी फैच हो चुका है, और मैंने ना क्या किया मैनेज भी कर लिया उसने फ्लो ने, अब डेटा को एमिट भी करवा रहा है, ठीक है। अब गाइस मेरा मेन मोटिव क्या है यहाँ पे, मुझे करना पड़ेगा व्यू होल्डर बनाना पड़ेगा, ठीक है समझे क्या बनाएगा व्यू मॉडल बनाना क्रिएट करना पड़ेगा सिंपल। तो इसे करता हूँ मैं यहाँ पर एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ व्यू मॉडल का, जहाँ पर यह करूँगा मैं डेटा को भेजूँगा कहाँ पर यू नो कहाँ पर मेन थ्रेड के अंदर। ओके तो पैकेज क्रिएट कर लिया यहाँ पर व्यू मॉडल सिंपल, एंड गाइस मैं करता हूँ यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ क्लास क्रिएट करता हूँ और ये तो गाइस मैं क्या करता हूँ एक क्लास क्रिएट एक मिनट मैंने क्लास क्रिएट कर ली किसके यहाँ पर पोस्ट व्यू मॉडल सिंपल, इतना गाइस काम करें क्लास का। ओके तो इसे करता हूँ फिर यह करना पड़ेगा मुझे व्यू मॉडल को यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा सिंपल। ओके इतना डन हो गया। ओके आपका इतना काम हो चुका है। अब ऐसे करता हूँ मैं पहले यहाँ पर क्या करता हूँ एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ किसका म्यूटेबल लाइव डेटा का, ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो डेटा आ रहा है ना वो मुझे स्टोर करवाना पड़ेगा क्या कहाँ पर म्यूटेबल लाइव डेटा के अंदर सिंपल। तो कैसे क्या मैंने पोस्ट लिखा पोस्ट म्यूटेबल म्यूटेबल लाइव ये कैसे आपको क्या करता हूँ मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स लिखता हूँ रिस्पॉन्स लिखता हूँ रिस्पॉन्स लाइव डेटा सिंपल, इतना कैसे आपके रिस्पॉन्स का एंड कैसे क्या किया म्यूटेबल म्यूटेबल लाइव डेटा टाइप का होगा किस टाइप का लिस्ट ऑफ किस टाइप का आपका एक पोस्ट सिंपल, एक पोस्ट भी बनाने से पोस्ट एंड इंपोर्ट भी करना पड़ेगा आपको सिंपल। तो कैसे यहाँ पर क्या इंपोर्ट कर दिया एंड देन म्यूटेबल सिंपल, इतना कैसे काम हो गया। ओके अब उसे करना पड़ेगा अब मुझे बैकग्राउंड से ना यू नो मेन थ्रेड के अंदर लाना पड़ेगा। ओके तो उसे क्या करना पड़ेगा मुझे पहले फंक्शन क्रिएट करता हूँ, ठीक है, मतलब गेट डेटा नाम का गेट पोस्ट नाम का, ठीक है सिंपल।
ओके एंड गाइस इसमें क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ पे व्यू मॉडल स्कोप, ठीक है सिंपल। एंड गाइस व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च पास किया, सिंपल, और कुछ काम नहीं करना, मैं सिंपल इतना काम कर लिया। ओके अब ऐसा करना है मुझे ना, इसको डेटा को गेट करना है। ओके कहाँ से, पोस्ट रिपोजिटरी से, ठीक है। तो बस मुझे कुछ नहीं करना, बड़ा ही सिंपल वे है यहाँ पे काम करने का। तो कैसे करना क्या, मुझको लिखना है पोस्ट। ओके गाइस यहाँ पे लिखना पोस्ट रिपोजिटरी डॉट करने का, यहाँ पर गेट पोस्ट, ठीक है सिंपल इतना। अब ऐसा करना मुझको, मान लो कि मैं डेटा वहाँ से गेट कर रहा हूँ वहाँ पर, तो कुछ एरर का भी मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, तो इसमें मुझे कुछ नहीं करना, कैच का यूज़ कर सकता हूँ, कैच का यहाँ पर, हाँ कैच का यूज़ कर लिया, ठीक है। अब बस मान लो कुछ एरर आता है तो मैं इसको हैंडल कर लूँगा यहाँ से। ओके तो बस यहाँ पर लिखा लॉग टी, ठीक है, और बस इसको मैं लाता हूँ यहाँ पर मेन सिंपल। एंड गाइस देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं लिखता ई डॉट मैसेज, सिंपल। ओके आप उसे करना है, मुझे क्या करना है, इसे को कलेक्ट भी तो करना है, तो बस किसने करना, आपको मैंने कलेक्ट लिख दिया यहाँ पर सिंपल। हैंड का इस्तेमाल लो, यहाँ पर आपका रिस्पॉन्स आ रहा है कुछ रिस्पॉन्स पॉन्स, ठीक है सिंपल इतना काम कर लो क्या। अब उसे करना है मुझको, जो भी रिस्पॉन्स का यहाँ पर आ रहा है डेटा को कलेक्ट कर रहा ना, तो मुझे करना है इसको इस रिस्पॉन्स लाइब्रेरी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, मेरे को लिखना है यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स। ओके गाइस नहीं, यहाँ पर लिखना है रिस्पॉन्स लाइव डेटा डॉट वैल्यू लिखना है यहाँ पर, एंड इक्वल टू पास करना है यहाँ पर रिस्पॉन्स, सिंपल सा। अब गाइस देखो मैंने बता रखा है पहले आपको कि जो यहाँ पर, मेरा जो फ्लो एपीआई है बेसिकली वो क्या होता है, लाइव लाइफ साइकिल अवेयर नहीं होता, ठीक है। दैट्स रीजन गाइस क्या करना पड़ता है मुझे, इसको कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करना पड़ता है लाइव डेटा के अंदर, बिकॉज लाइव जो डेटा है ना वो क्या है, एक लाइफ साइकिल अवेयर है, सिंपल। तो इतना गाइस काम हो चुका है। तो बस इस आप व्यू मॉडल स्कोप की जगह ना आप लाइव डेटा भी यूज़ कर सकते हो, डोंट वरी। ओके तो होप गाइस कि आपको समझ में आ चुका होगा, और इतना ही सिंपल काम था। ओके अब जाना है मेरे को मेन एक्टिविटी के अंदर सिंपल आपको, तो इसके मैंने मेन एक्टिविटी के अंदर क्या गाइस, एंड गाइस देखो मैंने पहले से रिसाइकल व्यू का जो यूआई ना बेसिकली उसको मैंने मतलब बना कर रखा हो पहले से, कि उसकी आईडी और पोस्ट अडेप्टर में सेट कर रखा पहले सिंपल सा। ओके मुझे ज़रूरत नहीं बनाने की, ओके सिंपल। अब उसमें मेरा मेन मोटिव क्या है, मुझको यहाँ पर जाना है प्राइवेट लेट इंट वेर, और मुझे रखना पोस्ट व्यू मॉडल, ठीक है पोस्ट व्यू मॉडल सिंपल, एंड पोस्ट व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट पास करना, ठीक है। आप कैसे हो क्या करना है मुझको, यहाँ लिखना पोस्ट व्यू मॉडल इज इक्वल टू व्यू मॉडल प्रोवाइडर, ठीक है सिंपल। और कैसे यहाँ पर दिस पास कर देना सिंपल, एंड गाइस क्या करना है, ओके एंड गाइस यहाँ पर लिखना आपको, ओके सॉरी पोस्ट व्यू मॉडल, ओके एंड क्लास डॉट जावा सिंपल। तो बस हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर चुके हैं व्यू मॉडल, ओके पोस्ट व्यू मॉडल का, ठीक है सिंपल। तो क्या करना पोस्ट व्यू मॉडल से क्या करना आपको, यहाँ पर सिंपल गेट पोस्ट को कॉल कर देना सिंपल, यहाँ पे जो फंक्शन था मेरा वो कॉल करना है। देन पोस्ट व्यू मॉडल से क्या करना है आपको सिंपल रिस्पॉन्स लाइव को कॉल करना है, और आपको लाइव को ऑब्जर्व भी तो करना पड़ेगा, तो ऑब्जर्व कर यहाँ पे दिस लगा दिया, देन ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर यहाँ पर सिंपल एक लगा इस यहाँ पर ऑब्जर्वर सिंपल, इतना कैसे काम हो गया। ओके अब कैसे क्या करना है मुझको, जो भी डेटा यहाँ से मेरे को ऑब्जर्व करूँ ना, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कहाँ पर मुझे भेजना पड़ेगा, कहाँ पर यहाँ पर अडेप्टर पर भेजना पड़ेगा सिंपल। तो कैसे करना मुझे, जो मेरा पास देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ यहाँ पर, मेरा जो पोस्ट, एक मिनट, जो पोस्ट अडेप्टर है गाइस देखो ये जो मेरा सेट पोस्ट दिख रहा है ना, सेट पोस्ट यहाँ पर, तो इसके अंदर बेसिकली मैं डेटा भेजूँगा, और ये जो बेसिकली फंक्शन है ये भेजेगा कहाँ पर आपको डेटा, और उसके यू नो उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर डेटा भेजेगा, किसके अडेप्टर के कंस्ट्रक्टर के अंदर डेटा भेजेगा सिंपल। तो ऐसे मुझे कुछ नहीं करना, मुझे वापस मेन एक्टिविटी में वापस आना है, ठीक है सिंपल। अब ऐसा करना मुझे जो ये पोस्ट अडेप्टर पे डेटा क्या करना है भेजना है, ठीक है। तो सेट डेटा को मैंने सेट पोस्ट को कॉल कर लिया सिंपल, और बस यहाँ पे पास क्या क्या करना है मुझको, यहाँ पर इट एज एरे ऑफ पोस्ट, ठीक है सिंपल। अब उसे क्या करना है, एक और डेटा यहाँ पर आ गया ना गाइस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा प्रोग्रेस बार है ना उसको मुझे रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे जो क्या करना है प्रोग्रेस बार डॉट कैसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो सेट विजिबिलिटी, तो उसकी क्या करना है विजिबिलिटी जो है ना, विजिबिलिटी उसे क्या करना पड़ेगा व्यू डॉट, एक मिनट गाइस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा व्यू डॉट क्या करना पड़ेगा मुझको, यहाँ पे गॉन करना पड़ेगा, ठीक है। तो गॉन कर दिया, लेकिन गाइस जो यहाँ पर मेरा जो रिसाइकलर व्यू है ना, रिसाइकलर व्यू उसकी जो विजिबिलिटी ना बेसिकली उसका क्या करना पड़ेगा मुझको, व्यू डॉट क्या करना पड़ेगा मुझको, विजिबल करना पड़ेगा सिंपल। तो होप गाइस कि आपको ना ईच एंड एवरीथिंग समझ में आ चुका है। ओके तो मैंने सब कुछ काम कर दिया यहाँ पर, डेटा भी मैंने पास कर दिया। ओके एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस कि आपने इंटरनेट परमिशन पक्का पास की हो, ठीक है। विदाउट इंटरनेट परमिशन यू नो आपका एप्लीकेशन क्रैश हो सकता है, ठीक है सिंपल। तो आपका इस बारी क्या है रिकवाने की, ठीक है।
सो गाइस देखा हमारा डेटा फेच हो चुका है सर्वर से, ठीक है। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप फ्लो का वर्क कर सकते हो रेट्रोफिट और लाइव डेटा के थ्रू, ठीक है। तो गाइस फ्लो का आपको ऐसी कुछ इस तरीके से आपको वर्क करना है उसके ऊपर, ठीक है। तो गाइस अभी आने वाले वीडियो में और इंटरेस्टिंग देखेंगे फ्लो के ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है।